हाय फ्रेंड्स, आज हम IQC में मॉडर्न क्वालिटी कंसेप्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। काइजन। काइजन जो है एक जापानीज वर्ड है जो काई प्लस जेन से बना है। काई मीन्स होता है टू मॉडिफाई या टू चेंज, जबकि जेन मीन्स होता है थिंक, मेड, मेक गुड, मेक बेटर। तो दोनों मिलाकर हो गया चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट के लिए चेंज करना काइजन कहलाता है, या मेक इट ईजियर बाय स्टडिंग इट एंड मेकिंग द इम्प्रूवमेंट थ्रू एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट को एलिमिनेट करके इसे जो है आसान बनाया जाए, यही काइजन है। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ काइजन पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट है काइजन के इस्तेमाल करने से कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहला, एम्प्लॉइज फाइंड वर्क मोर इजली बाय यूजिंग दिस अप्रोच। इस अप्रोच को यूज करके एम्प्लॉई आसानी से वर्क को फाइंड कर सकता है, पता कर सकता है। मोर जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा वर्कर को। उसके बाद है इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। सोल्व मैनी प्रॉब्लम्स, कई प्रॉब्लम सोल्व होंगे। गिव्स इमीडिएट रिजल्ट, इससे जो है तुरंत रिजल्ट प्राप्त होगा। रिड्यूसेस वेस्ट, जो वेस्ट है वो कम होगा। रिड्यूसेस कॉस्ट, कॉस्ट भी घटेगा। इम्प्रूव्स इफिशियंसी, इफिशियंसी बढ़ेगी। रिड्यूसेस अननेसेसरी एक्टिविटीज, और जो अननेसेसरी एक्टिविटीज होती है वो भी कम हो जाएगी। इस तरह से काइजन के बेनिफिट्स हैं। अब हम 5S पढ़ेंगे, ये 5 मार्क्स में आया हुआ है और काइजन भी 5 मार्क्स। तो 5S जो है 5 जापानीज वर्ड से बना हुआ है, जिसमें जो सभी एस लेटर से जो है स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले है शेरी। शेरी मीन्स सॉर्ट आउट करना, जो थिंग्स हैं उसको प्रॉपरली तरीके से रखना, जो अननेसेसरी आइटम है उसे वर्क प्लेस से दूर करना, और जो नेसेसरी आइटम है उसी को वर्क प्लेस में रखना। तो दूसरा है सेट इन ऑर्डर। सेटन मीन्स प्रत्येक चीज़ को अरेंज करना, उसे जो है एक ऑर्डर में अरेंज करना, एक तरीके से जो है रखना। उसके बाद है थर्ड पॉइंट सेइसो। सेइसो मीन्स होता है क्लीन अप, यानी क्लीन द वर्क एरिया सो इट इज नीट एंड टाइडी, साफ सुथरा दिखे। इसलिए कंपनी के अंदर जो वर्किंग एरिया है या पूरी कंपनी का जो एरिया है, प्लेस है, उसको साफ सुथरा रखना। उसके बाद है सेकित्सु मीन्स स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज मीन्स होता है कि पर्सनल क्लीनलाइनेस, पर्सनली जो है स्टैंडर्ड दिखें, और अपनी जो हैबिट है उसमें बदलाव करें, अच्छी आदतें डालें। इसके बाद है सित्सुकी। सित्सुकी जो है मेंटेन किया जाता है, इसमें डिसिप्लिन को मींस जो कंपनी के अंदर डिसिप्लिन है उसे मेंटेन रख, डिसिप्लिन जो है उसे मेंटेन रखना जो है इस वर्ड का मतलब है। ओके गाइज, आशा करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।